ये लो नितिन, तुम्हारा प्रमोशन लेटर। थैंक यू सो मच मैम। अरे ये क्या मैडम, मैं यहाँ पर सीनियर एम्प्लॉय हूँ और ये मेरा जूनियर एम्प्लॉय है, फिर भी आप मुझे छोड़कर इसको प्रमोशन दे रहे हो, ये बात ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नितिन तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब तुम बाहर जा सकते हो। ओके मैम। अभिषेक, मैंने नितिन का प्रमोशन किया है ना, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। मैडम रीजन कोई भी हो, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल गलत लगी कि आप एक सीनियर एम्प्लॉय को छोड़कर एक जूनियर एम्प्लॉय को प्रमोशन दे रहे हो जो कि कल ही आया है, ये बात ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने भी इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपने एक जूनियर एम्प्लॉय को प्रमोशन दे दिया, ये बात ना मुझे मैम बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक सीनियर एम्प्लॉय को छोड़कर आप इस कंपनी के जूनियर एम्प्लॉय को प्रमोशन दे रहे हो, और वैसे भी मैडम वो मेरे से बाद में आया है और उसने मेरे से ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी है, तो ये तो चीज़ गलत है ना जो आप मेरे से पहले उसको प्रमोशन दे रहे हो। देखो अभिषेक, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनती हो, लेकिन अगर मैंने नितिन का प्रमोशन किया है तो ज़रूर कोई रीज़न होगा, और अगर वो रीज़न मैं तुम्हें समझाऊंगी ना तो तुम शब्दों में समझ भी नहीं पाओगे। ये नीचे क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? एक काम करो अभिषेक, एक बार जाके नीचे देखो इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। लेकिन मैडम मेरा प्रमोशन। अभिषेक प्रमोशन के बाद हम बाद में कर लेंगे, पहले जाके चेक करो। ओके मैडम। मैडम मैंने पता किया है, बाहर ना एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट हो गया, पर कैसे? वो तो मैंने पूछा नहीं मैडम। अरे तो जाओ ना, पूछ के आओ क्या हुआ है। ओके मैडम। मैडम मैंने जानने की कोशिश करी, उसका एक्सीडेंट ना बाइक से फिसल कर हो गया है। क्या बाइक से फिसल कर गिर गया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया? अच्छा एक बात बताओ, उसकी हालत तो ठीक है ना? मैडम ये बात तो मैंने जानने की कोशिश करी ही नहीं। क्या तुमने ये भी नहीं पूछा? अरे ये तो पूछने वाली बात थी, जाओ पूछ के आओ। ओके मैडम। मैडम मैंने बाहर लोगों से जानने की कोशिश करी, उसके सर में और पैर में चोट आई है। अच्छा बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ मैडम बाकी तो वो ठीक है। मुझे लगता है अभिषेक तुम थक गए हो, एक काम करो यहाँ बैठ जाओ। हाँ मैडम थैंक यू। नितिन को भेजना ऑफिस में, ठीक है। मैम आपने बुलाया? हाँ नितिन, बाहर ना बहुत भीड़ लगी हुई है, एक बार जाके चेक करके आओ कि क्या हुआ है। ठीक है मैम मैं देख के आता हूँ। मैम मैंने पता कर लिया है, बाहर आपको तो पता है बारिश हो रही है जिसके कारण रोड गीले हो गए हैं और एक बाइक वाला फिसल के गिर गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, उसको छोटी मोटी चोट आई है, वैसे मैंने उसको बता दिया है अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो ना तो हमारी कंपनी सामने ही है, आप हमसे हेल्प ले सकते हो। और उसने ही बोला है जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, और हाँ मैंने उसको पानी भी पिला दिया है। गुड, ठीक है नितिन अब तुम जाओ और अपना काम कर लो। ओके मैम। देखा अभिषेक कुछ समझ आया? मैं मानती हूँ कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही काफ़ी होता है, और भी चीज़ें होती हैं, और हार्ड वर्किंग के साथ साथ ना तुम्हें इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हर टाइम बस हार्ड वर्क काम नहीं आता है। देखो अभिषेक, नितिन पिछले 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है और तुम 5 साल से, फिर भी मैंने उसका प्रमोशन किया तो कुछ तो बात होगी ना। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, हर टाइम सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं आता है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, जो कि उसने किया। अभी मैंने तुमसे क्या बोला था कि बाहर देख कर आओ क्या हुआ है, तो तुमने सिर्फ उतना ही किया, और सेम चीज़ मैंने नितिन को भी बोली, उसके बावजूद वो सारा काम करके आया, एक बार में उसने सारी चीज़ों के जवाब दे दिए, और तुमने सिर्फ उतना ही किया जितना मैंने बोला, तुमने अपनी तरफ से बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले उसमें, जितना मैंने कहा सिर्फ उतना ही काम कर दिया। अब तुम खुद सोचो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, शायद आप ये बातें मुझे बोलकर समझाते तो मुझे इतनी समझ नहीं आती, लेकिन आपने जो प्रैक्टिकल करके समझाया तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आई। और हाँ मैडम आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हार्ड वर्क के साथ साथ ना स्मार्ट वर्क भी करूँगा और अपना प्रमोशन हासिल करूँगा। अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने होते हैं, हमेशा हार्ड वर्क काम नहीं आता, स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, आगे से ध्यान रखना। ठीक है मैम। गुड, ठीक है अब तुम जा सकते हो। ओके मैडम थैंक यू।